क्या कभी हम गुड़गांव शिफ्ट होंगे? हो सकता है। इंडिया में खुश हो या बाहर जाने का प्लान है कभी? मुझे लगता है इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मतलब इंडिया इज एट दैट स्टेज की यहाँ पे बहुत कुछ है अभी करने के लिए। हम चार देशों में, हम चार देशों में आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू अनदर डे इन आवर लाइव्स। आज है संडे वाला दिन और हम सब सुबह उठ गए, सुबह के हो रहे हैं 8। और आज प्लान है कि आज एक तो सब लोग घर पे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, और हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव अपने दोस्तों से भी मिलने, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है लोगों से मिलने की, क्योंकि यहाँ हम एग्जैक्टली उसी के लिए आते हैं। आज का दिन काफी कुछ होने वाला है, आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। एंड हमारे ब्लॉग में है इतिका, जो सुबह सुबह उठ गई। और पता है इतिका क्या करती है मम्मी शूटिंग के टाइम? टेढ़ी टेढ़ी निगाह से कैमरे को देखती है। ये सब पता है कि मम्मा का काम चल रहा है। तो ये इतिका है, प्रशांत भी है। हाय, गुड मॉर्निंग प्रशांत, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द गुड़गांव ट्रिप? जीजी एंड पीपल ऐसे बोल रही है, ऐसे पता नहीं कहे कौन सी हिल स्टेशन कहीं पे। देख भाई, यहाँ से दूर है, 1 घंटा लगता है। हाँ, मैं पहले काम करता था गुड़गांव में, और अभी 7-8 साल बाद जा रहा हूँ। इतिका कुछ नहीं बोलना चाहती, और इतिका के दादू काफी एक्साइटेड इतिका के साथ खेल के। पापा, आपको कितना मजा आया आज सुबह खेल के इसके साथ? इसके साथ बहुत मजा आता है, खेलती रहती है हमारे साथ, हंसती रहती है। और पता है क्या, कि आज पापा कुछ ऐसे कुछ तो उसको सुना रहे थे, वो कहता है वो चंदा मामा दूर के। हाँ, तो इतिका सुन रही थी, और मैंने इन्हें बोला, मैंने इनकी आवाज रिकॉर्ड करके लेके जाऊंगी ताकि वहां पे जाके हम सुनेंगे। कैमरे में देखे, जब तक मम्मी का कैमरा चलेगा। पापा ने बहुत ही एनिमेटेड तरीके से बोला, उसको देख के ज्यादा खुशी। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। जब दादू ने किया तब मजे आए, मम्मा तब मजे आते हैं। जलवा है हमारा, मोटर चली पम पम पम, हल्ला मचाएंगे, गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बजेगा, ढम ढम ढम। अभी नहीं, अभी हो गया। सारी ऑडियंस। अब हम घर से निकल रहे हैं, प्रशांत इज रेडी, मैं भी रेडी, और इतिका को शायद हमने ज्यादा कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि हमारा कंसेंसस नहीं बैठता था, तो हमने बैलेंस करके नीचे कम पहनाए, ऊपर ज्यादा पहना दिए। और यहाँ से कितना टाइम लगेगा प्रशांत? 1.5 घंटा, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं अराउंड 12:30, तो हम 2 बजे तक पहुंचेंगे लगभग, तो निकलते हैं। एंड हम लोग घर से निकल चुके हैं, हमें आई थिंक 20 मिनट हो चुके हैं, और हम लोग सीपी पहुंच गए। और पता है जब मैं दिल्ली आती हूँ तो मुझे वैसे वो ऑटो जो दिखते हैं मुझे बड़े कूल लगते हैं, और ट्रैफिक नहीं आज, अच्छी बात, संडे वाला दिन ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इतिका को यहाँ सुला दिया है। प्रशांत, हमें कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट्स और लगेगा। आई थिंक विद द किड आप इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते, मतलब मेरा मन था अब हम जा ही रहे हैं तो साइबर सिटी देख लेते हैं, मैंने नहीं देखा है। 7-8 साल पहले देखा है, मतलब अभी मैंने वीडियोस वगैरह में देखा, काफ़ी चेंज। अरे वो हमने मूवी देखी थी ना, कौन सी, जिसमें कार्तिक आर्यन था, शहजादा थी, उसमें वो बिल्कुल ही अलग लेवल जगह लगती है, तो मेरा बड़ा मन था देखने का, बट विद इतिका थोड़ा मुश्किल है, तो शायद कभी। और आई थिंक जहाँ हम रहते हैं वहाँ से गुड़गांव पहुँचने में आई गेस अभी 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना, और इसके साथ मुश्किल है, तो ठीक है, हम सिर्फ लोगों से मिलेंगे, बाकी चीज़ें ट्राई करेंगे। प्रशांत, हम कितनी देर बाद पहुंचने वाले हैं? तो मतलब हमें डेस्टिनेशन में 20 मिनट लगेंगे, बट गुड़गांव हम एंटर कर रहे हैं, सामने का एम्बियंस, मॉल, लीला, वो सब दिख रहा है, ऑफिसेज वगैरह भी है सामने। और हमारा पता है कितना प्लान था यहाँ पे आने का और घूमने का, आपकी वजह से नहीं आ पाए। लो लो लो, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। इतिका नेक्स्ट टाइम बड़ी होगी तो हम नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे इतिका को, इस बार के लिए इतना ही काफी कि हम यही सब कर पा रहे हैं। बट हाँ, मेरा बड़ा मन था, बट गुड़गांव कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि प्रशांत जब से हम लोग गुड़गांव एंटर किए हैं इतिका काफी शांत है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यहीं से वापसी ले लेते हैं इतिका, चले वापस, चलो बेटी चलो चलो वापस। देखो हम ही आपके फॉलोअर है, इसी बात पे लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब। अच्छा, तो भाई ये गुड़गांव में रहते हैं और इनका हाउस है, बहुत सही जगह है, बहुत प्यारा घर है, तो गुड़गांव के पॉजिटिव नेगेटिव सभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि हम यहाँ पे हैं, तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये लोग आ जाए। अब यहाँ के मुझे, मैंने कहा प्रशांत पता है यहाँ पे लाइफ इजी है, मतलब अगर अब अगर आप यूएस आए थे तो मतलब वहाँ पे ना लाइफ अच्छी है,
ग्लैमरस है, मेहनती है, घर वालों से दूर है, बट इट्स अ वेरी लिटिल डिफिकल्ट लाइफ. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आई मीन हियर यू गेट द लग्जरीज ऑफ कंफर्ट कंफर्ट, बट मुझे लगता है आपका नहीं पता, बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिलती हूँ वो यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं. मैं तो मोस्टली घूमने के लिए जा सकती हूँ, रहने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. ठीक है चलो अभी हम बाकी लोगों से मिलवाते हैं. लोग आ रहे हैं ना थोड़ी देर में, आ रहे हैं बस, आने वाले होंगे, पहुंचने वाले हैं. मुझे कोई ग्लास फैंसी है बट अभी हम नींबू पानी पी रहे हैं, और जब मैं पी रही थी मैंने पीना शुरू किया, आई डोंट नो वेदर ये रिपीट करेगी नहीं करेगी, तो ये ऐसे से दिख रहा है. अभी भी देख रही है, मैं भी इसे ग्लास लगा फैंसी लग रहा है. अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब. अभी हम लोग बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के लिए बहुत सारे हैं गुड़गांव पीप्स. अच्छा सुनो, तो हम लोग रहते हैं यूएस में और ये सब लोग गुड़गांव में रहते हैं, और मोस्टली लोग यूएस आ चुके हैं. तो मुझे ना सवाल पूछना है कि तुम लोग गुड़गांव में क्यों रहते हो, एक चीज. दूसरा, तुम लोग अगर गिवन एन ऑप्शन क्या बाहर जाओगे. ठीक है तो शुरुआत करते हैं आपसे. तो मुझे बताओ गुड़गांव में लोग क्यों रहते हैं, बहुत सारे हमारे एज के लोग रहते हैं, क्यों? इट्स अ यंग सिटी, मतलब दिल्ली पुरानी हो गई है. पुरानी दिल्ली, वो दिल्ली पूरी पुरानी हो चुकी है. गुड़गांव इज द यंग सिटी. तो सारे तो ये एक्सपेंसिव है या नहीं है? नहीं, नॉट रियली, दिल्ली जैसी है. दिल्ली जैसी है, ठीक है. नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है. आप मुझे बताओ क्यों गुड़गांव, क्यों गुड़गांव? हां तो शिफ्ट हुई थी क्योंकि मेरे पति को यहां पे खेलना होता है. क्या गुड़गांव शिफ्ट होना चाहिए, आप मुझे बताओ. क्या सकते हो यार, मजा करेंगे सारे मेरे पास में ही रहने, तो फिर एक दूसरे के घर हाउस पार्टीज होंगी. कितना फन किया तुमने, कितने टाइम बाद. ऐसा भी देखो, ऐसा भी नहीं, बच्चे के साथ इन्होंने काफी फन किया, बट वी हैड फन, वी हैड फन, तो काफी मजा है. और बच्चा भी ऑलमोस्ट अडॉप्ट कर लिया लोगों ने. यार वहां हम मरे रहते कि हमारा बच्चा थोड़ा थोड़ा देख ले, तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत है. आप मुझे बताओ कि आपको मजे आ रहे हैं गुड़गांव में रहकर. अरे बहुत मजा आ रहा है, सच्ची मजे आते हैं, सच्ची मजा आते हैं, बहुत मजा आते हैं. हाँ. तो बेसिकली हम तो शिफ्ट हुए थे अपने स्टार्टअप की वजह से. हाँ. एंड जो हमारा जिस तरह का स्टार्टअप है वो क्राउड यहाँ पर है, ठीक है, तो हम लोग उस वजह से होते हैं, इट्स गोइंग गुड एंड वी आर लाइकिंग इट. ठीक है, बहुत सारे लोग सेफ्टी करते हैं, तो सेफ्टी के लिए क्या है, मतलब जेन्युइनली कि मतलब इज इट सेफ? अच्छी जगह, अच्छी जगह घर ले लो, सहारा मॉल मत जाओ, बाकी सब. मतलब देखो जहाँ से मैं जब रहती थी, मैं ना गुड़गांव का मुझे नहीं पता, मुझे नोएडा का पता है, और मैं दिल्ली में रहती थी, तो मुझे वो सेफ्टी इशू थोड़ा लगता था. स्पेशली जब मैं यूएस गई तो मैंने कह रही वहाँ पे ऑफकोर्स गन्स कल्चर ये सब चीज़ें, हैविंग सेड दैट मुझे थोड़ा सेफ्टी का इशू लगता, तो वो मैं 5 साल पुरानी बात कर रही हूँ, बट इज इट बेटर? अब नहीं है. वी हैव भव्य, भव्य मुझे बताओ आपको मजा आता है गुड़गांव में? अच्छा दिल्ली और गुड़गांव में क्या अलग चीज है कि गुड़गांव बेटर है? आई थिंक गुड़गांव हैज मोर स्पेस, मोर ग्रीनरी देन दिल्ली. दिल्ली यू हैव योर ओन स्पेस यहां पे ज्यादा, ठीक है. दिल्ली में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहते हैं लोगों की फैमिलीज में, जिनकी भी फैमिली है. या फिर बाहर कभी जाओगे, आप खुश हो यहाँ पे, इंडिया में खुश हो या बाहर जाने का प्लान है कभी? मुझे लगता है इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मतलब इंडिया इज एट दैट स्टेज की यहाँ पे बहुत कुछ है अभी करने के लिए, मतलब आई डोंट इवन थिंक कि मैं यूएस जाके वहाँ पे एक नए इकोसिस्टम स्ट्रगल शुरुआत इंपैक्ट करूंगा. मैं यहाँ पे जितना कर सकता हूँ उतना वहाँ जाके एक नया करना इज अ वेरी डिफरेंट गेम, लिविंग द लाइफ किंग साइज, ठीक है. और हम हैं जो यहाँ नहीं रहते हैं. प्रशांत क्या कभी हम गुड़गांव शिफ्ट होंगे? हो सकता है, यू नेवर नो गिवन द हिस्ट्री कि मैंने 5 साल में 5 घर बदले, कंट्रीज बदली है, शायद हो सकता है. हाँ हो सकता है, इन लोगों से पूछता है मतलब कोई यूएस रह रहा है तो उसे गुड़गांव पिच पिच करोगे, यूएस वाला कोई गुड़गांव पिच? हम सारे लोग रहते हैं यहाँ पे. Do you think इसके अलावा
तुम्हें रॉक क्लाइंबिंग के लिए पुश नहीं करेंगे। वो वेस्ट कोस्ट जानता है। दिस इज लाइक यू नो न्यूयॉर्क में जो वाइब है पूरा यंग क्राउड है, यू हैव यंग क्राउड, गुड फूड, सारी वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, सब कुछ गुड़गांव में मिलेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज न्यूयॉर्क स्टिंक्स, गुड़गांव डजंट स्टिंक। ओह यस, ये यहां पे मारा उन्होंने। बट इवेंचुअली मतलब आई आल्सो रियलाइज कि यहां पे ऑफ कोर्स फैमिली भी है, बैलेंस भी है, पैसा भी अच्छा है, थोड़ा बहुत है, हेल्प मिल जाती है, पोल्यूशन का थोड़ा ऊपर नीचे, बट उसके हैक्स भी लोगों ने जुगाड़ लिए। फाइनली एक घंटा ड्राइविंग को सुलाने में उसको सुला दिया है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो लाइट वाइट है वो दूसरी है, तो हमने इसे फोन में वाइट नॉइस लगा के यहाँ पे सुला दिया है। अभी बाहर चलते हैं। और बाय द वे खाने में है सैलेड, जो ऑफ कोर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मटा चावल है, दिस इज बीटरूट राइस, राजमा, पनीर, और ये क्या है, चिकन, अफगानी चिकन। इतना कितना टाइम में लगा बनाने में? अराउंड 5 hours. 5 hours. और आप हमेशा बनाते हो लोगों के लिए? नहीं, हमेशा भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो लोग आएंगे, लोग बोलेंगे कहाँ है खाना। हाँ, हमेशा नहीं बनाती हूँ। बहुत मेरे किने चुने लोग हैं जिनके लिए मैं बनाना पसंद है, जिनसे प्यार है। हाँ, वरना मैं ऑर्डर भी कर रही हूँ। ठीक है। और पता है मेरे ना इंस्टाग्राम पे जेपी काफी एक्टिव है, तो जब भी पार्टीज होती है दिवाली वाली, तो मैं देखती रहती हूँ, और मेरा जेन्युइनली मन था कि मैं एक पार्टी अटेंड करूंगी। तो फॉर नाउ एटलीस्ट शुरुआत एटलीस्ट हो चुकी है, वो बड़ी वाली हम बाद में कभी करेंगे। एंड हमारे साथ जो है ये, हेलो हेलो, आप मेरे ब्लॉग में पहले आए हो? हाँ, आई हूं। एक बार हम सीपी में मिले थे, सीपी और श्रीलंका, उन्होंने बीजिंग की थी बहुत अच्छा। सुनो, यस 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 यस, तो हमने पुराने किस्से भी कंप्लीट करने हैं। बाय द वे, ये जो राइस आपको दिख रहे हैं, ये काफी खिले खिले लग रहे हैं, और इस राइस की एक स्टोरी है, और वो स्टोरी है ये। तो ये एग्जैक्टली क्या है, पकड़ो और मुझे बताओ। हाँ, सो दिस इज बिकॉज राइस। सो इस राइस की स्पेशलिटी है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है। हाँ, तो ये बहुत हेल्प करता है आपको वेट लॉस में, एंड शुगर स्पाइक काफी कम होता है। ठीक है, तो काफी हेल्दी है। हमारे पास यहाँ पे कस्टमर हैं जो हमारे रिपीटेड क्लाइंट है। भाई मैं तो रिपीटेड कस्टमर थी, आई हैव पीसीओडी, सो फॉर श्योर इस चावल के अलावा मतलब ये मैं खा भी नहीं। और एक और चीज मुझे लगती है, इससे जल्दी मेरी पेट भर जाता है, पोषण कंट्रोल भी हो गया। ऑल्सो मेरी मदर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड की फैमिली को डायबिटीज है, तो हम उनको भी यही रिकमेंड करते हैं, और वो भी वही यूज करते हैं। तो मतलब मेरा तो अपना घर, मेरा मायका, मेरा ससुराल, सब जगह बोल रहा है। एंड ऑल्सो पता है क्या, मैंने अभी शार्क टैंक में देखा था कि हम लोग मिलेट्स और ये सब भी काफी खाते थे एक टाइम पे, तो आपके वो भी। तो एग्जैक्टली जो मेरी फ्रेंड है वो एक स्टार्टअप फाउंडर है, और उनका जो ब्रांड है वो ये है, एंड वो काफी अच्छा जा रहा है। हाँ, काफी अच्छा जा रहा है। सो हमारे पास काफी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, इंक्लूडिंग दिस राइस, एंड ऑल्सो वी हैव मिलेट फ्लावर ब्लेंड्स। तो जैसे रितु ने बोला कि मिलेट्स पहले तो बहुत खाते थे, बट देन हम फिर भूल गए, फिर हम गेहूं पे आ गए। बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मिलेट्स वापस लाऊं सबकी प्लेट से। मिलेट्स बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, और वेट लॉस का क्या होगा, जो मेरे जैसे लोग जो प्रेगनेंसी के बाद भूल चुके हैं उनके साथ कुछ हो सकता है, बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो रिचारा मेरे से 2-3 पैकेट लेके आई है, जेन्युइनली मैं ट्राई करूंगी, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा मैं ओवर द टाइम आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फॉर नाउ अभी ठूसना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग केक खा रहे हैं, हम केक काट रहे हैं। अच्छा, जेपी ने हमारे लिए केक मंगवाया, बाय द वे दिस इज वेलकम इतिका। तो आप इतिका को कैसे वेलकम कर रहे हो? सो ये चीज हम जो भव्य भव्य लेके आई है, जिसे भव्य का घर, दिस वाज टेक टू, जिसमें अपना कैमरा मैन ने भव्य को इग्नोर नहीं किया। और चॉकलेट एंड सॉल्टेड कैरमल, और ये हमारी वेलकम इतिका के लिए है, और इतिका बिल्कुल नहीं खाएगी। एंड दिस इज अराउंड 6:18, हम लोग घर से निकल चुके हैं उनके, और रास्ते में अभी, और वहाँ पहुँचने में हमें अपने घर में लगेंगे 59 minutes, तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। बड़ा यहाँ पे इतिका है और ये प्रशांत है, दोनों खेलते हुए घर जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि इतिका आप बोर हो गए, इतिका बोर हो गई थी क्या? और हमारे साथ भी खुश थी। ठीक है, बड़ा बड़े मजे है। इतिका को सबने बहुत सारा प्यारू किया, और इतिका को बहुत सारे गिफ्ट भी मिले हैं, और हम थोड़ा सा केक भी पैक करा के घर लेके जा रहे हैं। फॉर नाउ हम घर जाके मिलते हैं। एंड दिस इज
अराउंड 8:20 वी आर बैक होम और अभी चल रही है ग्रीन टी और बातें चल रही है और इतिका अपने दादू के साथ चिल कर रही है और दादू को थका दिया है इतिका ने बिल्कुल, लेकिन दादू के चेहरे पे खुशी है, दादू हैप्पीली थक रहे हैं। अब यहाँ से दादी के साथ में खेल रही है, दादू दादी के साथ इतिका रिलैक्स कर रही है और हमें उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें दी थी तो अभी हम वो सब देख रहे हैं, खा पी रहे हैं। केक बचा हुआ था जो वो हमने खाया है। थैंक यू फॉर द केक एंड थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द गिफ्ट्स। एंड विद दिस द व्लॉग कम्स टू एन एंड। हम लोग घर आके बहुत थक गए, मतलब इस बीच में काफी ट्रैवलिंग, काफी सारे लोगों से मिलना मिलाना और ये सब चल रहा है तो हम में मजे भी आते हैं बट हम बहुत थक जाते हैं। अभी सब लोग सो चुके हैं क्योंकि सब लोग काफी टायर्ड हैं। आई एम होपफुल आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस, प्लीज टेक केयर, बाय।